पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एडिडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग फ़तेहनगर मोबाइल नंबर सेवन फाइव सिक्स एट जीरो सेवन सेवन फोर फाइव एट क्लास थ्री सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर थ्री एंड इट्स लेक्चर नंबर फोर इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर दैन यू जस्ट नेट टू राइट इन योर नोट बुक वैन एवर योर स्कूल क्लास विल बी ओपन दैन मै यू क्लियर टू रिलेटेड टीचर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए टुडे इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू देयर आर टू मोर टाइप्स ऑफ फिट्स आज हम इस लेक्चर में दो और टाइप्स फिट पढ़ेंगे एंड द फर्स्ट इज फ्लैश ईटिंग एनिमल। बर्ड्स सच एज ईगल्स एंड हॉक्स दैट हंट एनिमल्स हैव अ स्ट्रॉग फिट पॉइंटेड हुक्ड क्लॉस कॉ T A L O N S talons the talons enable them to catch carry and kill their prey those birds which feed on the small animals like the rabbit snake and the mice or the mouse this uh, those birds which eat the small animals having this kind of feet the feet having the very pointed sharp and hooked claws and the, this type of claws are known as talons and talons help to catch, hold and to kill their animals and such name of the birds those having this type of feet are eagles and H -A -W -K -H, hawks next type is our flesh eating animal flesh means meat as birds eat mass. ऐसे बर्ड्स के जो फीट होते हैं वो क्या होते हैं एकदम पॉइंटेड पॉइंटेड मतलब नुकीले यू कैन सी हेयर द फीट द ब्लैक कलर स्ट्रक्चर एकदम पॉइंटेड मतलब नुकीले और तीखे होते हैं और शार्प होते और आगे से हल्के से हुक जैसे मुड़े हुए होते हैं ऐसे एनिमल्स के क्या होते हैं इस टाइप के नाखून होते हैं और ऐसे नाखून जो एकदम शार्प एकदम पॉइंटेड नुकीले और आगे से थोड़े हुक जैसे है उन्हें हम कहते हैं टी ए एल ओ एन एस टैलेंट्स टैलेंट्स क्या करते हैं टैलेंट्स क्या हेल्प करते हैं ऐसे बर्ड्स को उनके शिकार को पकड़ने में और कैरी करने में मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उनकी पकड़ क्या होती है बहुत ही मजबूत होती है और उनको मारने में हेल्प करते हैं और ऐसे बर्ड्स जिनके पास ये ऐसे टाइप के फिट होते हैं उनका नाम है ईगल्स एंड हॉक्स नेक्स्ट इज वॉटर बर्ड्स वाटर बर्ड्स सच एज डग गीज एंड स्वान्स हैव वेब फिट देर टूज आर ज्वाइन बाय थीन लेर ऑफ स्किन दे आर फ्लैट फिट वर्क लाइक अ पैडल टू हेल्प दम स्विम नेक्स्ट इज वॉटर बर्ड्स दैट मीन्स दो लिव मेनली नियर द रिवर और द पॉन्ट्स एंड एक्सेट्रा एंड द दोज आर डग घीज एंड स्वान्स बतक एंड द हंस दे हैव द वेब्ड फेफ्ट वेब्ड मीन्स दैट इज जाल जाल नुमा समथिंग लाइक अ ट्रैप जाल जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेब्ड सो वॉट हैपन इन दिस टाइप ऑफ लेयर यू कैन सी हेयर between the two toes the skin is so web developed and form a web like structure which help them to paddles in which help them to swim by paddling the water ऐसे बर्ड जो क्या होते हैं पानी के नदियों के किनारे रहते हैं जैसे बतख गीज या स्वान हंस इनके पास क्या होते हैं वेब्ड जैसे फीट होते हैं वेब्ड का मतलब क्या होता है जाल जाल जैसे क्या होते हैं इनके पैर होते हैं मतलब इनके जो दो फिंगर्स दो अंगुलियां हैं उनके बीच में उनकी स्किन क्या होती है पूरी फैली हुई होती है आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा दो ऑरेंज कलर की जो दो दो फिंगर्स हैं उनके बीच में क्या है पूरी स्किन क्या है बहुत अच्छे से क्या हो चुकी है डेवलप्ड हो चुकी है ऐसे फिट को हम बोलते हैं वेप्ड फिट ऐसे फिट क्या हेल्प करते हैं उनको पानी में स्विम करने में पैडल मारने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट इज फैदर्स ऑफ बर्ड्स फेदर्स इज़ लाइक द हेयर्स ऑन दी बॉडी जैसे कि ह्यूमंस के क्या होते हैं पूरे शरीर पे छोटे छोटे बाल है वैसे ही बर्ड्स के क्या होते हैं फैदर्स होते हैं सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैदर्स वॉट सेट्स बर्ड्स अपार्ट फ्रॉम अदर एनिमल्स इन देयर इन दिस दैट देयर बॉडी इज कवर्ड विद द फैदर वन यूनिक फीचर विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स इज हैविंग द फैदर्स ऑन देयर बॉडी बर्ड्स की जो एक मेन यूनिक फीचर है या कैरेक्टर है जो किसी भी एनिमल्स में नहीं होता है जी उनकी बॉडी क्या होती है पूरी फैदर से पूरी बॉडी क्या होती है कवर होती है बर्ड्स हैव अ थ्री टाइप्स ऑफ फैदर थ्री टाइप्स ऑफ फैदर्स आर हेयर फर्स्ट इज़ बॉडी फैदर्स गिव द बर्ड इट्स शेप एंड कलर नेक्स्ट इज फ्लाइट फैदर्स ऑन द विंग एंड द टेल हैव द बर्ड टू फ्लैट दे हैव अ लॉन्ग स्टिफ and strong first type is body feathers body feathers means this type of feather gives color or shape to the different type of birds that means if you have seen any feather of crow and pigeon you can see the color of the crow is black while the color of the pigeon is gray in color

कलर देने का काम किसका होता है बॉडी फैदर का मतलब जो कलर बॉडी फैदर का होगा वही कलर उन बर्ड्स का होगा जैसे आपने देखा होगा क्रो का कलर अगर आपने कभी पंख देखा तो ब्लैक कलर का होता है जबकि पीजन का ग्रे कलर का होता है या पैरोट का ग्रीन कलर का होता है वैसे ही सब बर्ड्स के क्या होते हैं अलग अलग वो जो फैदर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बॉडी फैदर्स बॉडी फेदर का काम क्या होता है अलग अलग बर्ड्स को अलग अलग कलर देने का काम होता है या कह सकते हैं जो अलग अलग कलर्स होते हैं किसी सारे बर्ड्स के वो किस वजह से होते हैं बॉडी फैदर्स के कारण नेक्स्ट इज फ्लाइट फैदर्स फ्लाइट फैदर्स फ्लाइट मीन्स टू मूव इन द टू फ्लाई इन द एयर फ्लाइट फैदर्स इज प्रेजेंट ऑन द विंग and the tail which help them to fly. They are very long, and stiff and strong. That means flight feather कहाँ present होते हैं उनके पंख पे विंग पे जिसकी वजह से वो हवा में उड़ते हैं पंख और टेल पे उनकी पूंछ पे वो क्या हेल्प करते हैं फ्लाइट फैदर उनको उड़ने में हेल्प करते हैं फ्लाइट फैदर कैसे होते हैं देखो यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर here. लंबे लॉन्ग होते हैं स्टिफ मतलब मजबूत होते हैं जो आसानी से जो हार्ड होते हैं जिन्हें मोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होते हैं इन फ्लाइट फैदर की मदद मतलब से जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ते हैं हवा में नेक्स्ट इज डाउन फैदर कीप द बर्ड वाम दे आर सॉफ्ट एंड फ्लफी एंड दे आर प्रेजेंट अंडर द बॉडी फैदर्स down feather you can see here which is very soft like a cotton and which is very delicate in nature and they have they keep the body of the bird warm and they give the heat to the body of the birds and they are present below the body feathers and down feather are very soft and very cotton like फैदर्स नेक्स्ट क्या है हमारा डाउन फैदर डाउन फैदर्स कैसे होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और एकदम रुई जैसे होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट यू कैन सी द पिक्चर हेयर बिल्कुल सॉफ्ट और रुई जैसे होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बॉडी फैदर के नीचे प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी फैदर्स जो फर्स्ट टाइप का हमने फेदर पढ़ा था उसके नीचे कौन से होते हैं डाउन फैदर्स और इनका काम क्या होता है बर्ड्स को या बर्ड्स की बॉडी को क्या करना गर्म रखना उनको हीट देना गर्मी देना सो हेयर वी कंप्लीट आवर लेक्चर नेक्स्ट इज चेक योर प्रोग्रेस लेट्स सी द फर्स्ट अ बर्ड विद द टैलेंट्स मीन्स दो राइट द नेम ऑफ दैट बर्ड विच हैविंग द टैलॉन्स एंड इट इज ई ईगल ऐसे बर्ड जिनके क्या होते हैं टैलॉन्स और टैलॉन्स क्या होते हैं एकदम पॉइंटेड तीखे नकले नाखून किसके अंदर होते हैं ईगल के अंदर अ पर्चिंग बर्ड दैट मीन्स दोज लीव ऑन द ब्रांच विच रेस्ट लीव सिट ऐसे बर्ड जो ब्रांच पे रहती है या बैठती है ऐसे बर्ड्स का नाम क्या है क्रो अ थर्ड अ बर्ड विद द वेब्ड फिट मीन्स दो बर्ड हैविंग द वैब्ड फिट ऐसी बर्ड जिनके फिट क्या है वेब्ड जाली नुमा जाल नुमा है उनके डक एंड फोर्थ इज द फैदर डेट गिव यू बर्ड इट्स कलर दैट मीन्स दोज फैदर विच गिव दलर टू द बर्ड्स इज अ बॉडी फैदर ऐसे फैदर जो क्या करते हैं बर्ड्स को कलर देने का काम करते हैं क्या है बॉडी फैदर नाम Fifth is the soft and the fluffy feather, that means which is very soft and the very fluffy, very uh, cotton like nature that is known as down feather. As a feather is soft or ruinuma down feather. So here we complete our lecture and the homework time. Class third, subject science, chapter three and lecture number four. And the first is flesh, -E -S -S, f-l-e-s-s flash mass, stiff. मीन्स हार्ड कठोर फ्लफी मीन्स रोयेदार बहुत ही सॉफ्ट जो होते हैं कॉटन जैसे रुई जैसे नोट्स एंड योर डेली होमवर्क बिफोर नाइन ओ क्लॉक इन नाइन ओ क्लॉक इन अ गुड हैंड राइटिंग ऑन द व्हाट्सअप नंबर सैन फाइव सिक्स एट ज़ीरो सेवन सेवन फोर फाइव एट नोट डेली नौ बजे से पहले आपको अपना होमवर्क गुड़ हैंड राइटिंग में रफ नोटबुक में करके स्कूल के व्हाट्सअप नंबर सेवन फाइव सिक्स एट जीरो सेवन सेवन फोर फाइव एट पर सेंड करना है टिल देन थैंक यू हैव अ नाइस डे